बोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे राधे गोपी भी बोले राधे ग्वाले भी बोले 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 राधे ब्रज की गलियों से है आवाज आई राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे राधे सच्चिदानंद भगवान की जय हो। विषय पर ध्यान दें। कहने का मतलब जब जब किसी को अहंकार हुआ, भैया अगर संसार में जिस प्राणी ने अहंकार किया कि हम कुछ हैं, समझ लेना वो प्राणी संसार से जुदा हो गया है। जब जब किसी को अहंकार हुआ, परिचित जी अहंकार ही परमात्मा का भोजन है, नहीं तो महाभारत को उठा करके थोड़ी देर के लिए देखें। एक बार अर्जुन के अंदर अहंकार हुआ, कन्हैया हमारे समान तुम्हारा दूसरा भक्त नहीं हो सकता। भगवान के लिए अर्जुन क्या कह रहे हो? अरे हाँ कन्हैया, तुम मेरे सारथी बने हो, हमारे समान तुम्हारा कौन भक्त हो सकता है? भगवान कह रहे अर्जुन, अगर मेरे भक्त देखना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। अर्जुन और भगवान कृष्ण ने बनाया सन्यासी का भेष। ध्यान रखना, जब जब किसी ने अहंकार किया तो समझ लेना उसका संसार से पतन हो गया। अर्जुन और भगवान ने बनाया सन्यासी का भेष, कहां पहुंचे? कुरुक्षेत्र में। जिस कुरुक्षेत्र में कर्ण पड़ा है, जिस कर्ण के शरीर पर घाव ही घाव था, दोनों लोग सन्यासी का भेष बना करके पहुंच गए। कहा कर्ण, हमने तुम्हारा दानियों बड़ा सुंदर नाम सुना है, हम तुमसे दान लेने के लिए आए। कर्ण कहने लगा, महाराज यहां मेरे पास क्या है? आप मेरे महल चले जाओ, आप जो भी चाहोगे आपको वही मिलेगा। भगवान कहने लगे, हम दान तुमसे लेने आए और मुझे यही चाहिए, मेरे पास यहां क्या है? भगवान कहने, तुम्हारे दांत में सोना है, आज मुझे वही सोना चाहिए। कर्ण कहने लगा, महाराज आप मेरे महल चले जाओ, जितना सोना चाहोगे उतना सोना मिलेगा। भगवान कहने लगे, हम दान तुमसे लेने आए और मुझे यही चाहिए। आंखों में आंसू भर करके कहने लगा, महाराज आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? अरे मेरे शरीर में तो घाव ही घाव, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो महात्मन? किसोने का दान दूंगा और मुनिराज मरते मरते और मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते। मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते। मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते। सोने का
दान दूंगा मुनिराज मरते मरते मेरे हाथ ना थकेगी कभी दान करते करते कि जाते आप मुनिवर आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो होता अगर महल में तो शौकता था जाना कितना है करण दानी ये जानता जमाना कितना करेगी नानी थक जाते आप मुनिवर भंडार भरते भरते मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते शरीर में तो घाव ही घाव तो कुछ दूरी पर मेरा धनुष बाण पड़ा मुझे ला करके दे दीजिए मैं तुम्हें अपनी परीक्षा दिखलाऊंगा मेरा धनुष पाड़ दे तो ऐशान हो तुम्हारा यमुना की स्वच्छ धारा पाताल से निकालो यमुना की स्वच्छ धारा धोखे से पाड़ मारा घरना तो मरते मरते मेरे हाथ ना थकेगी कभी दान करते करते मेरे हाथ ना थकेगे कभी दान करते करते मेरे हाथ ना थकेगे कभी दान करते करते
महाराज वो कुछ दूरी पर धनुष बाण पड़ा, मुझे ला करके दे दीजिए, मैं अपना अपनी परीक्षा दिखलाऊंगा। भगवान के लिए कर्ण, अगर वो पत्थर ला करके मैंने तुम्हें दिया उसमें मेरा भी भाग होगा। अगर दान देना चाहते हो तो स्वयं पत्थर ला करके मुझे दांत तोड़ करके दान दीजिए। समझ गया, परमात्मा परीक्षा लेने के लिए आया। जैसे चला जमीन पर लगा रगड़ा, उस घाव से खून बह रहा है, ठहरता है फिर चलने लगता है। जैसे तैसे पत्थर के पार पहुंचा है। समर सिंह चौहान जी ने अपनी लेखनी से लिखा है कि वह दान पीर लेटे लेटे, जैसे पत्थर लेने के लिए चला जमीन पर लगा रगड़ा, गांव से खून बह रहा है, ठहरता है फिर चलने लगता है। कि वह दान पीर लेटे लेटे और पत्थर लेने को जाता है, वह दान पीर लेटे लेटे पत्थर लेने को जाता है। पृथ्वी पे घसीटता खोदन को, पृथ्वी पे घसीटता खोदन को और खून की धार बहाता है। जैसे कर्ण पत्थर के पार पहुंचा, पत्थर उठा करके मारना चाहा, उसी समय भगवान ने आगे बढ़ करके कर्ण का हाथ पकड़ लिया। कहो अर्जुन, तुम कह रहे थे हमारे समान दूसरा कोई भक्त नहीं हो सकता। उसी समय अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए, कन्हैया मेरे मन में अहंकार हो गया, प्रभु आपने अच्छा किया जो मेरे अहंकार को दूर किया। कहीं नहीं कहा मेरे अभिप्राय, जब जब किसी को अहंकार हुआ तो अहंकार परमात्मा ने कभी किसी का रखा ही नहीं है, अहंकार ही तो परमात्मा का भोजन हुआ करता है। जब भगवान ने मनसुखा से कहा, मनसुखा तेरी मैया के अंदर अहंकार था कि कन्हैया को हम पकड़ेंगे, इसीलिए तो मैंने माखन की चोरी की है। भगवान मनसुखा को बहुत ज्ञान देते हैं। परमात्मा अपने धाम पर जाकर के बैठे हुए थे तो भागवत पुराण पर वेद व्यास जी ने लिखा है, तब ठीक।